राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गुजरात मामले को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से आज गुजरात में जो हिंसा भड़की हुई है, आज जिस तरीके से गुजरात में जो हालात खराब है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से वहां पर इतना माहौल खराब हुआ गुजरात से, जिस तरीके से आज उत्तर भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है, आज उन्हें खदेड़ा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है किस तरीके से आज गुजरात में यूपी बिहार वालों के चेहरे पर डर देखने को मिला। आपको बता दूं कि गुजरात में बीते कुछ दिनों पहले एक मासूम के साथ बिहार के एक शख्स ने गलत काम किया, जिस वजह से एक शख्स की गलती की वजह से इतने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर हम बात करें यूपी बिहार वाले जो लोग हैं, उनका यही कहना है जिस शख्स ने गलत काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उसे फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन उसकी वजह से और यूपी बिहार के जो अन्य लोग हैं जो गुजरात में, उन्हें परेशान मत कीजिए, उसकी वजह से और लोगों को तकलीफें क्यों दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो मामला सामने आया उसमें ये देखने को मिला कि लोग जिस तरीके से आज उनके चेहरे पर डर देखने को मिला है, यूपी बिहार के जो लोग हैं वो डर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो दोबारा गुजरात में कदम नहीं रखेंगे, उनका ये कहना है कि वो गुजरात का मुंह तक नहीं देखेंगे। बहुत हैरानी वाली बात है कि 15 साल 20 साल से यूपी बिहार के जो लोग थे जो गुजरात में रह रहे थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे, और जिस तरीके से वहाँ पर देखने को मिला कि वो अचानक से अपना उन लोगों ने काम छोड़ दिया, अचानक से उनका रोजगार उनके हाथों से छिन गया, आखिरकार कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, कैसे वो और खर्चे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनसे रोजगार छीन लिया गया, उन्हें भगाया जा रहा है इस तरीके से कि जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हों, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। आखिरकार सवाल तो ये कि एक शख्स की गलती की वजह से क्यों इतने मासूम लोगों को परेशान किया गया, क्यों आखिरकार गुजरात सरकार फेल है, क्यों गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी उत्तर भारतीयों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे, आखिरकार क्यों इतनी देर में जागी गुजरात सरकार और जागने के बाद भी उत्तर भारतीय जो लोग हैं उन्हें समझा नहीं पा रही। अगर आज मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बस स्टैंड की, जो गुजरात है वहाँ के जो ट्रेनें हैं कह सकते हैं, वहाँ पर जो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। आपको बता दूँ गुजरात के बस स्टैंड की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाते हैं वहाँ आप देखेंगे किस तरीके से खचाखच लोग भरे हुए हैं। उत्तर भारतीय लोग हैं, यूपी बिहार के जो लोग हैं वो बसों में जिस कदर उनकी भीड़ है आप स्थिति ने कह सकते हैं, हम स्थिति बयान नहीं कर सकते, बहुत बुरी स्थिति है। जो बसों में लोग जा रहे हैं एक एक सीट पर पांच पांच लोग बैठ रहे हैं, नीचे बसों के कह सकते हैं अंदर जाने के बाद नीचे जो है उस पर बैठ रहे हैं, इस तरह से वो लोग अपना सफ़र तय कर रहे हैं। मैं रेलवे की अगर ट्रेनों की बात करता हूँ, ट्रेनों में हालात ये हैं कि जो यूपी बिहार के लोग हैं वो ट्रेन की खिड़कियों पर लटक के अपना सफ़र तय कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई है, कहीं जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जिस तरह से लोगों में डर देखने को मिला है ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। भारी संख्या में गुजरात से यूपी बिहार वालों ने जो है गुजरात छोड़ दिया, इस मामले पर खूब सियासत हो रही है, इस मामले पर गंदी राजनीति भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि गंदी राजनीति करने से पहले एक बार सोची जरा उन मासूम लोगों का, जिन लोगों ने अचानक से इस तरीके से रोजगार छोड़ दिया, आप सोचिए उन लोगों का कि कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। हर मामले पर गंदी राजनीति की जाती है, तो गंदी राजनीति करना बंद कीजिए और एक बार जरा उन लोगों की आंखों में देखिए, एक बार जरा उन मासूम बच्चों की आंखों में देखिए कि किस तरीके से वो डरे हुए हैं, किस तरीके से वो परेशान हैं। और अगर यूपी बिहार के लोग जो हैं वो अपने राज्यों में वापस जाते हैं तो वहाँ जाकर कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो देश में रोजगार वैसे ही नहीं है, मोदी सरकार ने रोजगार के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया, और दूसरी तरफ इतनी भारी संख्या में यूपी बिहार के जो वाले जो लोग हैं वो अपने स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो कैसे रोजगार करेंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। और हैरानी वाली बात तो है कि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने उत्तर भारतीयों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात है जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय यूपी क्या, बिहार क्या, राजस्थान क्या, हर तरफ बीजेपी
जाती है, हर तरफ पीएम मोदी जाते हैं। अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूँ तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूँ, देखिए यूपी में बीजेपी ने, यूपी में जो है आपको बता दें लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी ने वहां से 70 प्लस का टारगेट रखा है, यानी 70 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही है। आखिरकार किस मुंह से बीजेपी वहां पर चुनाव जीतने की बात कर रही है? क्या उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया? क्या आज यूपी के जो लोग हैं उन्हें खदेड़ कर भगाया जा रहा है, और ऐसे में आप वोट लेने आ रहे हैं यूपी में, आप ऐसे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी यूपी में ज्यादा सीटें जीतेगी? आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? आप एक तरफ तो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूपी बिहार वालों को इस तरीके से खदेड़ा जा रहा है, गुजरात से इस तरीके से आप खदेड़ कर भगा रहे हैं। और ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी देखिए वोट की राजनीति करना जानती है, आप ध्यान दीजिएगा, वोट की राजनीति करना जानती है। अगर वाकई में यूपी बिहार या अन्य लोगों के चिंता होती बीजेपी को, बीजेपी सरकार को, विजय रूपानी सरकार को, तो वहां पर गुजरात में स्थिति को सुधारा जाता, उत्तर भारतीयों को वहां जाने से रोका जाता, उत्तर भारतीयों को समझाया जाता, उनके मन से डर निकाला जाता। लेकिन ऐसा कोई बड़ा कदम बीजेपी सरकार ने नहीं उठाया, केवल और केवल वोट की राजनीति बीजेपी करना जानती है और यूपी से 80 सीटें कम से कम जीतने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाकर बीजेपी वहां पर चुनाव जीतेगी? और जिस तरीके से आज बिहार यूपी वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, उसे देखकर तो ये लगता है कि यूपी में तो बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिलेगी, इतनी कम सीटें मिलेंगी जिससे लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा और मोदी सरकार की सत्ता जाएगी। वहीं जिस तरीके से अगर वोटिंग की बात करते हैं तो बिहारी, जो बिहार के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज जिस तरह से नाराज है और उनका यह कहना है कि वो अपना बदला लेकर रहेंगे जिस तरीके से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। बीते दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था जिस पर देखने को ये मिला था कि बिहार वाले जिस तरीके से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, यूपी वाले जिस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं, बिहार वालों का ये कहना है कि वो अपना फैसला लेकर रहेंगे लोकसभा चुनाव में। बीते दिनों जो प्रोग्राम किया था उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैं कमेंट पढ़कर आपको बताता हूँ। जुबर आलम खान लिखता है हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसके बाद नवीन कुमार लिखते हैं अल्पेश ठाकुर को झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी की चाल है। असगर पठान ने लिखा है कि मोदी और जी हाँ गुजरातियों को 2019 में सबक सिखाना है। और वहीं अभिषेक चौहान लिखते हैं बीजेपी नहीं कांग्रेस। तो देखिए 2019 की जैसे कि मैं बात कर रहा था, साफ तौर पर यहाँ पर यह कहना है कि 2019 में सबक सिखाएंगे। किस तरीके से आज यूपी बिहार वाले जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जो बीजेपी सरकार ने हमारे साथ गुजरात में जो ऐसा बर्ताव किया है उसका बदला हम लेकर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो बात उन्होंने कही है, और लोकसभा चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो फैसला अब वो लेते हैं यूपी बिहार के लोग, उससे बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार को लगेगा। आपको बता दूं आज देश की जनता वैसे ही मोदी सरकार से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी की वजह से आज बेरोजगार वर्ग परेशान है, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों की मैं बात करता हूं, कई लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पर सरकार ने नियुक्तियां नहीं की हैं, आज किसान परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, हर शख्स तो परेशान है, आज हर वर्ग का शख्स तो परेशान है, आज देश की जनता तो परेशान है। ऐसे में इन 4 सालों में मोदी सरकार ने क्या काम किया, और इन 4 सालों में क्या मोदी सरकार ने केवल हवाई यात्रा की, इन 4 सालों में क्या केवल मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने का काम किया? ऐसे तमाम सवाल है जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, लोगों के जहन में उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से गुजरात का मामला हुआ बड़ा, और गुजरात मामले में बीजेपी सरकार ने लापरवाही बरती, इसका बहुत बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। और गौर करने वाली बात तो है कि अगर अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर यूपी बिहार के लोगों ने वोट कर दिया, तो वो वक्त दूर नहीं जब मोदी सरकार को इतनी कम सीटें मिलेंगी जिसका अंदाजा बीजेपी ने नहीं लगाया था। और अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार सत्ता से जाती है तो कई सालों के लिए बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी, और काफी कोशिश करने के बाद भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी।
जिस तरीके से आज पूरा देश मोदी सरकार से नाराज है, आज जिस तरीके से गुजरात का मामला जो हो गया, गुजरात में जो स्थितियां देखने को मिली वो कहीं ना कहीं दर्शाती किस तरीके से वाकई में गुजरात में रूपानी सरकार ने लापरवाही बरती जिसके चलते इतना बड़ा मामला वहां पर हुआ। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।